मध्य प्रदेश के देवास जिले के खाते गांव नेमावर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के सदस्य को हिरासत में लेने में सफलता प्राप्त की है जो बैंक लूटने की योजना बनाने के साथ ही धार्मिक राजनीतिक व भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों के दौरान घुसपैठ करके चैन स्नैचिंग जेब कटी जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। हिरासत में लिए गए बदमाश इंदौर उज्जैन ग्वालियर व मुरैना के हैं। पुलिस ने उनके पास से वारदात में उपयोग होने वाले 15 बोर देसी दो जिंदा राउंड गृहभेदन की सामग्री पेचकस तलवार हॉकी बेसबॉल बैट आदि नशा करने की जो बियर व शराब होती है वो भी जब्त की है। पकड़े गए बदमाश ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वे नेमावर में बैंक डकैती के साथ ही नेमावर में चलने वाले धार्मिक कार्यक्रम में वारदात की अंजाम देने की योजना बना रहे थे। उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। देवास जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदीश सिंह डावर एसडीओपी निर्मल सिंह के अलावा नेतृत्व में पुलिस ने चार टीम गठित की थी। टीम का नेतृत्व खातेगांव थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती व नेमावर थाना प्रभारी अविनाश सिंह सिंगर कर रहे थे। जो बड़े बड़े धार्मिक राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं, सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, उसमें भीड़ भाड़ में घुस के और जेब कटी चेन स्नैचिंग इस तरह की घटनाएं करते हैं और ये इस तरह की घटना करने के लिए भी प्लानिंग कर रहे थे कि आज हम कोई बड़ी वारदात को अगर हम लोग नहीं पकड़ते तो अवश्य वो कोई बड़ी घटना करते। और आगे कल से वहाँ पर नेहावर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का एक चातुर्मास प्रोग्राम प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कल उसका प्रारंभ है पंचकल्याण समारोह के रूप में कल स्थापना होगी। तो इस तरह के कार्यक्रमों में भी ये घटना करके और आमजन में अशांति फैला सकते हैं।